नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 मई शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रसिद्ध चार धाम में शुमार भगवान बद्री विशाल के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण द्वारा धार्मिक विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही चार धाम के सभी कपाट खुल गए हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को बधाई दी। सुबह 4 बजे रावल धर्माधिकारी समेत वेद पाठियों ने मंदिर के पीछे के दरवाजे से भीतर प्रवेश किया। 4:15 पर पहले द्वार का पूजन किया गया। ठीक 4:30 बजे भगवान बद्रीनाथ के मुख्य द्वार को खोला गया। कपाट खुलते ही भगवान की 6 महीने जलने वाली अखंड ज्योति के दर्शन हुए। भीलवाड़ा की करेड़ा पुलिस ने 6 घंटों में हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि हाथीपुरा गांव में देर रात एक वृद्ध की हत्या हो गई है। जानकारी के अनुसार वृद्ध के सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से वृद्ध की मौत हो गई थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और मात्र 6 घंटे में ही इस हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को रेलवे स्टेशन से विशेष बसें संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा है। मुख्य सचिव ने फाइल पर अनुमोदन कर संबंधित विभागों को भिजवा दी है। राजस्थान सरकार के मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को एयरलिफ्ट से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के लिए एयर एम्बुलेंस से रवाना किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। परिजनों की सलाह पर चिकित्सकों ने शिफ्ट करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेदांता के डॉक्टर नरेश त्रेहान से टेलीफोन पर बात की, जिसके बाद एयर एम्बुलेंस से मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल गुड़गांव के लिए रवाना किया गया। हनुमानगढ़ जिले की सुरेशिया कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसमें जिले में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नहीं है। जिले में कुछ 12 व्यक्ति पॉजिटिव मिल चुके थे, लेकिन अब सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। पीएमओ डॉक्टर एसपी शर्मा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिला अब कोरोना मुक्त हो चुका है। एसएमएस अस्पताल में आग लगने से खलबली मच गई। जानकारी के अनुसार अस्पताल के 1AB वार्ड के पास आग लग गई। फैकल्टी रूम के अंदर सोफे में यह आग लगी थी। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची एक दमकल की गाड़ी ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के चलते पूरी गैलरी में धुआं ही धुआं फैल गया। गनीमत रही कि यह आग अन्य परिसर में नहीं फैली। यूपी के मजदूरों को लेने अहमदाबाद जा रही एक बस 12 जिले के अंता में हादसे का शिकार हो गई और यह बस अनियंत्रित होकर नाले से जा टकराई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बच गए। यह हादसा 12 जिले के NH 27 पर हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के सतखड़ा गांव के सरपंच ने राशन डीलर द्वारा गेहूं की कालाबाजारी की शिकायत जिला रसद अधिकारी बीजल सुराना से की। रसद विभाग की टीम सतखड़ा पहुंची और जांच शुरू की। इस दौरान राशन डीलर के करीब 20 क्विंटल गेहूं बाजार में बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्राली में भरकर ले जाना सामने आया। जिला रसद अधिकारी ने डीलर अमीर अमानुल्लाह खान का प्राधिकरण पत्र निलंबित करने के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट निम्बाहेड़ा सदर थाने में दर्ज करवाई। उदयपुर में आईटी एक्ट में गिरफ्तार आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकला। उदयपुर की सूरजपोल थाना पुलिस ने कल ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। यह युवक भोपाल सागर थाने के लुनेरा गांव का रहने वाला है। सूरजपोल थाना पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया था। संक्रमित पाए जाने के बाद आरोपी को कोरोना वार्ड में भर्ती करवाया गया है। झुंझुनू अंचल के मठ बस स्टैंड पर शराब ठेके बाकरा पैरानासर गांव में 7 मई को फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। वहीं वारदात में काम ली गई 3 कैंपर गाड़ियों में से एक को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमेर जाट सुनील उर्फ छोटा पांड्या ओम प्रकाश जाट उर्फ पाला दिल प्रकाश जाट रविंदर कटेवा साजन नायक तारा सिंह गुज्जर सत्यवीर जाट उमेश मेघवाल सहित एक बाल अपचारी के निरुद्ध करने में कामयाबी हासिल की। साथ ही वारदात में काम में ली गई एक कैंपर गाड़ी को बरामद किया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।
once again.